लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस हुआ था और मैंने आपको फॉर्मूला रजिस्टर में उसकी एंट्री भी करवाई थी। अगर कोई कार गिवन है कांस्टेंट पावर के साथ जा रही है तो बताओ उसकी वेलोसिटी एक्स के साथ कैसे रिलेटेड है, वो 3/2 कुछ ऐसा मैंने फॉर्मूला किया था। क्वेश्चन वैसा ही है, उसी की कॉन्टिनेशन में है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और कांस्टेंट पावर के साथ तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू क्या, ये बताओ। ऐसे चार ऑप्शन गिवन होंगे, डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है। तो ये सेम क्वेश्चन है लास्ट टाइम वाला, मैंने आपको इसका शॉर्टकट करवाया था कि स्टार्ट यहाँ से करना है, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक तरफ, पावर नीचे, मास नीचे आ गया, एक्सेलेरेशन डीवी बाई डीटी। यहाँ से प्रॉब्लम ये है कि अगर डीवी बाई डीटी को डीएक्स में कन्वर्ट करना हो तो बताया था मैंने डीएस से मल्टीप्लाई डीएस से डिवाइड कर दो, एक्स या एस एक ही बात है। डीवी बाई डीएस एक तरफ आ गया था ये रहा, और ds by dt एक तरफ है, ds by dt वेलोसिटी v बन गई, v into v, v का स्क्वायर हो गया into dv, और ds राइट पे चला गया, फिर इसे इंटीग्रेट किया था। इंटीग्रेट करके लास्ट टाइम ये रिजल्ट कहा था मैंने आपको कि v प्रोपोर्शनल टू s रेज टू पावर 1/3 लिखवाया भी था मैंने, कहा था मैंने कि जो अगर पावर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला याद कर लो, वेलोसिटी x रेज टू पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है, पहला रिजल्ट था। अब वो ये नहीं पूछ रहा वेलोसिटी, वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो एक काम करो वेलोसिटी को लिखो आगे ds by dt, और पावर और मास कांस्टेंट है, इस पूरे की जगह k लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब dt राइट साइड पे ले जाओ, s वाली टर्म एक तरफ ले आओ, इसको इंटीग्रेट करो, s की पावर -1/3, इसकी इंटीग्रेशन s की पावर 2/3/2/3, ये सब राइट साइड पे ले जाओ, s की पावर 2/3 प्रोपोर्शनल टू t, तो 2/3 राइट साइड पे जाएगा, तो s प्रोपोर्शनल टू t रेज टू पावर 3/2। आप इतना बड़ा ना करें, सीधा फॉर्मूला लिखें, एक लिखें पहला फॉर्मूला लिखें, पहला फॉर्मूला लिखें, अगर एक कार कांस्टेंट पावर के साथ जा रही है, मींस पावर कांस्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन में वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर 1/3 एंड x प्रोपोर्शनल टू टाइम रेज टू पावर 3/2। ये दो फॉर्मूला लिख लें, बात खत्म, सीधा ऑब्जेक्टिव आएगा, कोई सब्जेक्टिव नहीं, कोई प्रूफ नहीं आएगा, ना स्कूल में ना मेन में, कहीं नहीं आएगा, सीधा यही स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट सीधा मार्क कर लेना। मेथड मैंने लिख दिया इसमें, पर जरूरत पड़ेगी नहीं इस मेथड की आपको। पावर है, मैं लिख दिया देखो पावर शॉर्टकट में, बस और कुछ करना नहीं है इसमें, ये मैं प्रिंटआउट दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एक ना ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वो इसमें भी उलझा लेते हैं आपको, कैसे। पार्टिकल जिसका मास m है इज मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और रेडियस r है, सच दैट उसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ac, उसकी वैल्यू k स्क्वायर r t स्क्वायर है,
मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर किसी बॉडी की सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन आपको देखने में ऐसी दिखे तो आप क्या समझते हैं, मतलब ये देखती आपको क्या बात समझ में आती है? अगर मैं आपको कहूँ ये सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन है तो मतलब क्या समझ में आया आपको इसका, कि क्या सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन कॉन्स्टेंट है? नहीं, चेंज हो रही है, हो रही है। क्यों चेंज हो रही है आपको ऐसा क्यों लगा? इसमें क्या चीज़ ऐसी लगी हुई है? टी, समय रुकता नहीं, तो टाइम बढ़ रहा है, सेंट्रिपिटल एक्सलेशन बढ़ रही है। अब सेंट्रिपिटल एक्सलेशन अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब सेंट्रिपिटल एक्सलेशन होती क्या है? वी स्क्वायर बाय आर। जितनी ज़्यादा सेंट्रिपिटल एक्सलेशन होगी उतना ही बड़ी वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो वी स्क्वायर बाय आर है, आर तो कॉन्स्टेंट है क्वेश्चन में। तो अगर सेंट्रिपिटल एक्सलेशन बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है, सही। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है इस क्वेश्चन में टेंजेंशियल एक्सलेशन पक्का एग्जिस्ट करेगी, वेलोसिटी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, सही है, लॉजिक क्लियर है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो सेंट्रिपिटल के साथ साथ टेंजेंशियल भी एक्ट करेगी। मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना है? मेरे को निकालना है पावर, बताओ इस बॉडी की पावर कितनी है। देखो एक चीज़ समझ लेना, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ कि अगर सपोज करो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका आंसर दो। मान लो एक बॉडी सर्कल में घूम रही है और इसके पास सेंट्रिपिटल एक्सलेशन है, सेंट्रिपिटल एक्सलेशन कांस्टेंट है, नया क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रही, बोलो पावर कितनी है? पावर क्या होता है? ओके, फोर्स इनटू वेलोसिटी के साथ साथ वर्क डन अपॉन टाइम। सेंट्रिपिटल फोर्स कितना काम करती है? जीरो। पहला लेक्चर वर्क एनर्जी पार का, सेंट्रिपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा क्या होता है? जीरो। तो सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से पावर हमेशा क्या रहेगी? जीरो। आज के बाद कुछ सोच भी मत लेना, जब भी बॉडी सर्कल में घूमेगी वो पूछेगा सेंट्रिपिटल एक्सलेशन या सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करती है, तुम बोलोगे सेंटर। वो कितना वर्क डन करेगी, तुम बोलोगे जीरो। और अगर वर्क डन जीरो तो पावर भी जीरो। कोई डाउट इसमें? सेंट्रिपिटल फोर्स का हमेशा वर्क डन जीरो, पावर जीरो। लेकिन टेंजेंशियल अगर हुई तो, अगर सेंट्रिपिटल में सेंट्रिपिटल चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल एग्जिस्ट करेगी। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो दोनों एक्सलेशन हैं, मान लो सेंट्रिपिटल भी है, चलो मान लो टेंजेंशियल भी है, दोनों है, सेंट्रिपिटल की वजह से पावर क्या आएगी? जीरो। लेकिन टेंजेंशियल की वजह से पावर कुछ ना कुछ तो आएगी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। पर ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी? टेंजेंशियल फोर्स। और टेंजेंशियल फोर्स होती क्या है? मास इनटू टेंजेंशियल एक्सलरेशन। ये आंसर आएगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब मेरा क्वेश्चन इसी पे बना हुआ है। मैंने आपको कहा कि पावर की वैल्यू इसके इक्वल है, सॉरी सेंट्रिपिटल एक्सलेशन इसके इक्वल है। तुमने सेंट्रिपिटल एक्सलेशन को लिखा वी स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, अंडर रूट लेके वी की वैल्यू निकाल ली। और टेंजेंशियल एक्सलेशन का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? डी वी बाय डी टी, क्योंकि वी टेंजेंशियल है, ए टी भी टेंजेंशियल है। तो आपने v को यहां पुट करके डिफरेंशिएट किया तो आंसर kr आ गया, नॉन जीरो आंसर है। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सलेशन एग्जिस्ट करती है। तो मैंने आपको बता दिया सेंट्रिपिटल का वर्क डन तो जीरो है, इसकी पावर तो लेनी नहीं है, टेंजेंशियल की पावर। अब यहां पर क्वेश्चन में पावर किसकी वजह से है? ओनली टेंजेंशियल। टेंजेंशियल की पावर क्या है? फोर्स टेंजेंशियल इंटू वेलोसिटी। टेंजेंशियल फोर्स क्या है? एम इंटू ए टी। ए टी क्या है? के आर, के आर। और वेलोसिटी क्या है? के आर टी। वेलोसिटी की जगह पुट कर दिया के आर टी, और टेंजेंशियल एक्सलेशन की जगह के आर। जो प्रूव करना आंसर आ गया, पावर आ गई, ये ऑप्शन में मार्क कर लेना। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसका मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया, इंपॉर्टेंट ये है कि टेंजेंशियल एक्सलेशन पावर जनरेट करती है, सेंट्रिपिटल एक्सलेशन पावर जनरेट नहीं करती। सिंपल, ठीक है यहाँ तक?